Welcome back to the race. परिवार के लिए अगर किसी की जान भी लेनी पड़े तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए पहले मैंने डिसीजन लिया एंड नाउ आई एम गेटिंग एंग्री, वेरी एंग्री। तुम्हारा यकीन कैसे कर सकती हूँ? वैसे भी वादे और इरादे की बड़ी पक्की हूँ मैं। हाथ देना प्लीज, घबरा मत, शादी के लिए नहीं मांग रहा। हमारे बिजनेस पे कोई नजर डाले तो हमें बर्दाश्त नहीं। Our business is our business, none of your business. आपको हम दोनों दिखते भी हैं? नहीं, मुझे तो लगा आपको अपने ब्लू आइट बॉय सिकंदर के सिवा कोई दिखता ही नहीं। सिक्कू, I'm sick of this सिक्कू डैड। हमारे बिजनेस में दुश्मन जितने कम हो उतना ही बिजनेस बढ़ता है। Oh my God! Family. जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। I saw this on the way here today. I saw it in the car today. Somebody sent it to me. I've died laughing, but hats off. Yeah, amazing. Yeah. Some kids from Orissa have made this. Yeah. How sweet. I had to share it with you guys. Oof. Amazing. The best shot was Daisy Novik. Oh, ma. Ready, sir? Kisko bulana? Aapko chalte bulana. All right. So, question answer round of hoga. May I please invite Mr. N.P. Singh, Mr. Danish Khan, Mr. Ashish Golwalkar, Senior Creative Director, Programming Channel Set, and Mr. Indraneel Chakrabarty, CEO, Big Synergy. Can I please invite you on stage? And of course, Salman, sir. Oh my God. I saw it on the way here. God, that was really funny. तो दो जरूरी बातें ये सेशन शुरू करने से पहले, एक तो ये कि क्योंकि ये रिकॉर्डेड शो है तो आप सवाल प्लीज माइक पर ही पूछिएगा। आप अगर हाथ उठाएंगे तो वील पिक द क्वेश्चंस एंड देन हैव द माइक सेंट ओवर टू यू। दूसरी बात ये कि गुजारिश है जितना हो सके इस शो के इर्द गिर्द ही सवालों को रखिएगा, जितना हो सके। एंड ऑफकोर्स let's begin now. Ho sake to koi problem nahi. Okay, bhaijan, bhaijan on your left, yahan pe papa ji, yahan pe, haan ji, this is Simran Singh here from Book My Show. So first of all, congratulations to you and the team. We are happy to, you know, have you back, have this show back. To mera aapse sawal hai, almost after 9 years this show is coming back, so kahin na kahin did you also miss the part of being of the show? Yeah, did you miss the show? Kahi ho sakta hai aapke well wishes ne kaha ki aap wapas aaiye show ke sath. You know, this was my first show, the first time I ever did TV. So there's that attachment to this show as well. So Singh Saab said after 9 years that we must do Das Ka Dum on the 10th year. Okay. So
So apart from you and the interesting show, there's another thing which is called the camaraderie. Apart from the camaraderie between you and the contestant, the questions are very interesting, and that's what, you know, that's what it stands out for. So can you say ऐसा हुआ जैसे पिछले सीजन में भी ऐसे कुछ questions थे कि कितने प्रतिशत भारतीय, you know, दूसरों का देख के खाना मंगाते हैं या खाने से पहले अपनी बेल्ट खोलते हैं? We have all those. Yes. And we have really nice सवाल्स as well. So sir, कहीं आप ऐसे कोई ऐसे सवाल थे जिससे आप एकदम रिलेट कर चुके हो जब आपके सामने आए हो? कुछ अगर आप एक दो अगर आप सवाल अगर आप जैसे अपनी आप टीचर के बारे में आपने कहा था जी, that's तो वो जिस टाइप के सवाल थे वो तो आपने सुनी लिए. अब वो बाकी के सवाल सुनने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा. पिछले दिन कितने प्रतिशत भारतीय फटी हुई अंडरवेयर पहनते हैं? सलमान आपके लेफ्ट में जी, इधर लेफ्ट सलमान आपके लेफ्ट जी. आपसे सवाल है कि आपको ऐसे कुछ पांच सवाल जो आपको लगता है कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है? जी क्या था वो आपका? मेरा सवाल है कि ऐसे पांच सवाल जो आपको लगता है कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत लोग जानने चाहते हैं आपके बारे में, आपको जैसे ऐसा एक सवाल लगता एक, एक, एक सवाल सोनी ने बाहर पुट आउट किया कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि सलमान खान को चाय बनाने आती है? आई नो हाउ टू मेक टी. सलमान प्लीज चार और बता दीजिए ना प्लीज. चार क्यों? पांच का दम खेल लिया मेरे साथ. हाय सलमान जी. हाय. सिंस 9 years हैव पास्ड द प्रीवियस सीजन, did you yourself recommend any change to the makers to make it look more relevant? No, when they came to me, only it was a lot bigger, and you know the questions this time were funny as well as, you know, like really meaningful. Like today we played some 5-6 questions. You know the format of the question that was asked, like that mithai wala sawal. It is basically to do with sugar and diabetes. But you know, we've given it that अलग पूछने का तरीका. ये नहीं पूछा है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को से शुगर की बीमारी है. तो इट्स टेकन डिफरेंटली कि मीठा कौन घर पे छुप छुप के खाते हैं, दैट काइंड ऑफ स्टफ. और देन वी ऑल्सो हैव के दाढ़ी चुभना, मूछे चुभना, यू नो, सपाट चढ़ रहना. हाय, आई एम उपमा फ्रॉम नवभारत टाइम्स. मेरा सवाल एनपी सिंह और दानिश साहब आपसे है. आप लोगों ने जब शुरू किया था तो आपने कहा था कि ये शो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पसंदीदा है आप लोगों का. तो इसको 9 साल तक का से इससे दूर रहने की क्या वजह रही, और आप जब लाने का फैसला किया तो क्या रीज़न रहा? यू प्लीज डोंट थिंक दिस IPL, ओके? लाने का रीज़न बहुत क्लियर है. वी ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव दस का दम. एज आई सेड, वी वॉन्टेड टू वर्क ऑन द फॉर्मेट अ बिट, वी वॉन्टेड टू वर्क ऑन द क्वेश्चन अ बिट. और पिछले बार जब हम किए थे, एक ही चीज़ जो फीडबैक आया था ऑडियंस से भी आया था, हमारे डिस्कशन विद सलमान भाई, वो फीडबैक आया था कि रेस्पोंडेंट का साइज़ बड़ा होना चाहिए. तो एक कुछ चीज़ का एक समय होता है. आज अगर आप देखो तो हिंदुस्तान में डिजिटल मीडिया बहुत बढ़ चुका है, तो हम कभी भी रियल मार्केट रिसर्च 1.5 मिलियन लोगों के साथ कर नहीं सकते. आज जो स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन है, आज हम ये कर सकते हैं. तो दस का दम हिंदुस्तान जैसे देश के लिए, जो 130 करोड़ की आबादी है, दस का दम प्रॉपरली करने के लिए ये डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत ज़रूरत था. और इस साल इसलिए 1.5 मिलियन जब आंसर आप देखेंगे तो आंसर आपको लगेगा कि सही है, वो क्रेडिबल है और ऑथेंटिक है. सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टाइम टू हैव दस कदम. और बहुत मेहनत की हमने क्वेश्चंस में जो आपने देखा है. सो यू विल गेट अ रियल फील ऑफ व्हाट द फॉर्मेट ओनर एवर वांटेड टू डू, यू नो, इज टू गेट द राइट आंसर आल्सो. सो वी वर बेसिकली गोइंग टू वर्क दिस दस कदम आउट दैट टाइम एज वेल, बट देन सडनली जस्ट फिजल्ड आउट. एंड आई थिंक आई ऑल्सो गॉट इन टू अनदर शो, एंड देन इट वॉज के आए नहीं आए, पूछे नहीं, फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम देयर साइड. बट देन द डे दे केम बैक टू मी एंड आई सेड यस, एंड हियर वी आर बैक ऑन टू दस का दम. एंड बोथ द शोज विल गो ऑन, यू नो, साइमल्टेनियसली विदाउट हैम्परिंग ईच अदर्स TRPs और यू नो. एंड सिंस इस सीजन का भी आपने कुछ एपिसोड शूट किए हैं, जी हाँ, तो तब में और अब में क्या अंतर पाया आपने? अब मच बेटर है.
किन मायनों 10 गुना बेटर है कैसे कैसे मान लें आप किन मायनों में अच्छा किन हर मायनों में आप देख लीजिए अच्छा दैट इज आल्सो व्हाट आई एम वरीड अबाउट कि वो जो उस वक्त का जो कनेक्ट था वो 10 साल हो गए हैं आई नो पीपल हैव सीन मी ऑन द अदर शो बिग बॉस बट आउट हियर यू नो इट्स अ वेरी डिफरेंट कनेक्ट दे आर स्टिल इनसाइड देयर सेलिब्रिटीज एंड स्टफ लाइक दैट यू नो आउट हियर द पीपल आई मेट फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार मिलता हूँ उनके साथ मेरा क्या इंटरेक्शन है यू नो वो क्या कह जाते हैं मुझे मैं उनसे मैं उनको कैसे हैंडल करता हूँ कि आई होप कि मेरी कोई बात ह्यूमर उनको बुरी ना लगे या जो देख रहे हैं उनको ऐसा नहीं लगे कि यार ये गलत बात बोल दी सो आई हैव टू बी नॉट थिंकिंग ऑफ ऑल दैट बट आई जस्ट हैव टू बी माई सेल्फ सो दिस इज आई एम ऑल्सो वेटिंग टू सी ऑन द रिलीज ऑफ दस का दम के हाउ पीपल यू नो एक्सेप्ट मी इन दिस शो आफ्टर 10 years यू नो इट sometimes you lose your grip you know sometimes you you've gone through that peak you know you've you know lost it so we're all here nervous trying to see that how it works out for us on the fourth okay thank you hello welcome Salman ji ji idhar ji अच्छा मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि जब आपने इस शो की शुरुआत की थी तब आपकी थोड़ी सी नेगेटिव इमेज थी जी आज आपको 3 पीढ़ी के लोग चाहते हैं जी बच्चे बुड्ढे जवान और लड़कियां जी तो सबसे ज्यादा जो चाहते हैं वो है बच्चे जी तो आप इस शो में क्या कुछ ऐसा स्पेशल करेंगे जिसमें बच्चे भी आपके साथ खेल सकें मैं हूं ना सर मैं हूं ना बच्चे आपके साथ खेलना चाहते हैं बच्चे हमारे साथ खेलना चाहते हैं छोटे बच्चे लाइक आप अभी डांस दीवाने में गए थे तभी भी बच्चों ने आपके साथ बहुत धमाल किया था तो बच्चों की भी इच्छा है कि वो इस तरह के शो में आपके सामने आए तो कुछ ऐसा आप स्पेशल करने वाले अब ये जवाब तो सिंह साहब और दाने साहब ही देंगे आशीष देंगे जी जैसा फॉर्मेट जो है वो 18 इयर्स और अबव क्योंकि इट इन्वॉल्व्स मनी तो वो तो हो नहीं सकता लेकिन कुछ स्पेशल डेफिनेटली यू नो बच्चों को लेके बट जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है सलमान भाई का बच्चों के साथ बहुत ज़बरदस्त कनेक्ट है तो कुछ किसी तरह से ज़रूर हम लोग उनको लेके आएंगे एनीवेज जो कॉन्टेस्टेंट्स आते हैं उनके साथ उनकी फैमिली रहती है यू आर अलाउड टू टॉक टू देम तो बच्चे रहते हैं यहाँ पर ऐसा बच्चे रहते हैं और फिर बच्चे टीवी के सामने भी रहते हैं तो वो देख लेते हैं अच्छा और उनको देखना ये उनको देखना ज़्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ खेलना वो क्रिकेट फुटबॉल हॉकी PS4 3-2-1 वो सब वो ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हैं और इसमें फिल्म स्टार्स भी आएंगे और जब रेस आएगी तो उसमें शायद हाँ वही RACE3 का प्रमोशन होगा इसमें RACE3 का हाँ हो चुका है ऑलरेडी और स्टार कास्ट दिखेंगे मतलब लाइक हमेशा ने बहुत मजा आई थी लास्ट ईयर में जी जैसे ये खेल के गए वैसे वो भी खेल के गए इमेजिनरी ओके जीते हैं लेकिन उनके हत्ते कुछ नहीं लगा थैंक यू मिस्टर सिंह हाय ज्योति फ्रॉम जूम इस तरफ जी मेरा सवाल ये है कि अनाउंस होने के पहले ही जब से ये न्यूज़ आ रही थी कि 10 का दम बन रहा है उसी समय कई ये भी न्यूज़ आई थी कि दूसरे होस्ट हो सकते हैं जैसे रणवीर सिंह कई नाम आ रहे थे तो क्या प्लानिंग थी या सलमान के डेट इश्यूज थे क्या मतलब ओवरऑल जानना चाहेंगे नहीं ऐसा कभी कोई प्लान नहीं रहा और 9 साल हम लोगों ने वेट किया कि कब हम आपस में काम कर सकें ये बहुत मसरूफ सुपरस्टार हैं हमारे इंडस्ट्री के एंड जब अभी हमें मौका लगा कि उनके उनकी अवेलेबिलिटी और फॉर्मेट की अवेलेबिलिटी दोनों थे तो हमने कहा ये सही वक्त है 10 साल के बाद दोबारा ये शो करने का बीच में ऐसा कभी कोई हमने कुछ सोचा नहीं कि किसी और के साथ ये शो किया जाए दैट इज़ अ फैक्ट Once Das Ka Dum from me went, you know, Singh Saab has never ever thought of anyone else hosting it but me. That I've also heard and he's also mentioned this to me. And it's a proof that 9 years have gone by and they could have very easily done Das Ka Dum with anybody else. Like, for example, Big Boss was Arshad Varshi, Shilpa Shetty, Amit Ji, you know, then me.
जी सलमान, मेरा आपसे सवाल है कि बिग बॉस और 10 का दम, बिग बॉस का प्रोमो भी आउट हो चुका है कंटेस्टेंट्स के, तो किस तरह से शूट होने वाले हैं दोनों चीजें, आप कैसे एडजस्ट करने वाले हैं? एक्चुअली व्हाट आई वांटेड ना, दैट दीस कैमरास शुड हैव बीन इन द स्लॉट्स वेयर वी हैव आवर कैमरास, सो यू कुड हैव कवर्ड एवरीथिंग प्रॉपर्ली फ्रॉम ऑल द डिफरेंट एंगल्स, बट वो हुआ नहीं, सो यू विल गेट वन एंगल व्हिच इज नाइस. Okay, hi Salman, this is Harleen from Punjab Kesari. I want to know what kind of changes you find in between the 9 years in the contestant. Are they more smarter and are they more confident? I don't know, because with me, even the contestants have grown up or not grown up. So for me, it is exactly what it was, you know, 9 years ago. So it's just that the questions now are fun and everything as well, but still they are very earthy. They are related to Mitti, you know, to our grassroots. So that is what is good. So on every sawal, we have to do pros and cons. So that has been a superb journey for me. N.P. Singh ji, aapse ek sawal hai aapke left mein. इस शो को आपने मंडे ट्यूसडे को रखा है, मोस्टली वीकेंड्स पे रखा था, उसकी कुछ खास वजह? दानिश आप ही बताइए. नो, जैसे वीकडे में एक वैरायटी लाने का एक सोनी का प्रयास रहा है. पिछले साल आपने देखा होगा हमने केबीसी लाया था. इस साल जो प्रीमियम इम्पैक्ट शो होते हैं वो हम वीकडे प्राइम में लाना चाहते हैं. पिछले साल केबीसी हमने लाया था 9 बजे, इस साल 10 का दम ला रहे हैं 8:30 बजे. प्राइमरली बिकॉज छोटे शहर में आजकल टेलीविज़न मेजरमेंट है और टेलीविज़न बहुत बड़ा है, वहाँ पे जल्दी सो जाते हैं. ये करीब 1.5 घंटा चलता है. तो बेसिकली वी वांटेड टू एंड द शो एट अराउंड 10, सो 8:30 to 10 मंडे ट्यूसडे है, और हमारा दूसरा शो क्रॉस रोड आएगा वेडनेसडे से फ्राइडे. तो थॉट है कि वीकडे में जो जनरली आप अगर देखें तो ऑप्शन क्या है, सिर्फ सीरियल है. Having a show like this on weekday certainly makes a lot of difference, and it's a ek solid sa alternative hai jo hamare liye work kiya hai past mein, and I'm sure is saal bhi work karega. Salman, I think it's a really good thing, because Friday, Saturday, Sunday everyone has partied, gone out, dinner, winner, ye wo, movies, picnics, theaters, all that stuff, and then Monday is a working day. So Monday when you come back home, there's nothing to do. So then your enjoyment from Friday, Saturday, Sunday goes on to a Monday and a Tuesday. आप खुद टीवी को कितना फॉलो कर पाती हैं और कौन सी शोज फॉलो करते हैं? मैं टीवी ऐसा देखता हूँ, कुछ भी देख रहा होता हूँ, जो भी चैनल चल रहा होता है मैं उसको चेंज नहीं करता. So sometimes there's some South films going on where I don't understand. And it's going on, and I've been asked this, okay, why don't you change it? I said, going on, what to change? It's going, I'm looking at it, I'm finding it interesting, I'm learning what not to do, what to do. What is your problem? Salman, and I hate it when people keep on coming in, changing channels. Even if I'm watching Bakwas, but somebody comes and change the channel, yaar, kai ko. Salman, towards your left. Yeah. Salman, hi. Salman, this is Priyanka from Indian Express. Mm-hmm. Salman, which is that one question you want people to stop asking you? This is the one. This question, that what is the question that you want people to stop asking you? This is the one. Okay. Salman, my next question is that is... Why? But yeah, so my next question is that... If you weren't hosting Das Ka Dum, which actor do you think would fit in the shoes of yours and, you know, would do justice to the show? Which Bollywood actor? I think everyone is competent. I think this, I think Shah Rukh could very easily host the show. I think Aamir. Aki, Sanju. Apart from that, I don't think anyone. So, thank you. Here.
So unlike a lot of shows that we see on a similar basis, like that work on a similar basis, we see a sense of subjectivity in the questions, a sense of personalization in the questions. What's the main purpose behind that? ये आपने किससे सवाल पूछा? मुझसे, मुझे समझ में नहीं आया क्या पूछा आपने? आप जो questions पूछते हैं यहाँ पर, they're not like the questions that we see on other shows, जैसे KBC, अभी जैसे आपने बोला कि मीठा खाने वाला. So वो सवाल जो है KBC के जो सवाल हैं, वो KBC वाले पूछ रहे हैं. हाँ, ये हम वो सवाल पूछ रहे हैं जो कोई नहीं पूछता. मतलब कि ऐसे फोरम में, टीवी पर. But ये सवाल, everyone has it in mind at some given point of time. So and it's fun as well. You don't have to read books to understand, you know, to come here, पढ़ लिख के यहाँ पर आओ. It just वो अगर आपने अपने मोहल्ले को देख लिया या अपने फ्रेंड्स को यू नो पहचाना हो, स्टडी किया है, सो आई थिंक यू विल बी प्रीटी मच वेरी क्लोज टू रोलू द गोलूज सोच. हेलो सलमान, दिस इज श्रेया, हिंदुस्तान टाइम्स से. मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तक जितने भी शो आपने शूट किए हैं, उनमें से कोई भी ऐसा बंदा या बंदी, आम आदमी आया हो जिसने आपको अपनी स्टोरी सुनाई हो और आपको दिल पे लगी हो जाके? एवरीवन, ईच एंड एवरीवन. सो जो यहाँ पर आते हैं, देव गॉन टू दैट कड़ी प्रोसेस ऑफ द ऑडिशन एंड स्टफ लाइक दैट, एंड ईच वन ऑफ देम हैव लाइक द मोस्ट अमेजिंग स्टोरीज. लाइक देयर इज दिस वन गर्ल हु केम हियर and she and her husband used to own a jewelry store. Something happened, jewelry store big guy, they became salesperson in their own jewelry store. Their her child used to go to this one school which uski tankhwa thi 1500 rupees. She had to shift that child from that school. Now that girl is going to a school jahan pe tankhwa hai mahine ki 100 rupees. So they all come here with this aspiration ke हम जीत जाएंगे, करोड़ रुपए जीत जाएंगे, 50 lakh, 60 lakh, दे ऑल कम विद दैट. एंड देयर इज वन गर्ल हुज कम जिसकी माँ ने उसको पढ़ा लिखा के बहुत पढ़ाया है, ऑल ग्रेजुएशन प्लस ये प्लस यू वांटेड बी एन आईएएस, सो शी ट्राइड स्टडिंग फॉर दैट, देन शी ट्राइड दिस एंड वगैरह. एंड देन इवेंचुअली माँ का एक छोटा सा चाय का स्टॉल था, शी ओपनड दैट चाय का स्टॉल. फ्रॉम चाय का दे मेक सम खाना where she makes some 20 rupees for vegetarian, 25 35 rupees. Sir, chai se yaad aaya ki 2019 mein aap, one second chai se kuch yaad nahi aaya mujhe. Main mujhe complete karna tha, mujhe pata hai ki aap chai se kahan ja rahi ho. To mujhe bhi bahut kuch yaad aata hai lekin main apne aap mein rakhta hu.